दो गाड़ियाँ आई और उस गाड़ी में से तीन लड़के उतरे जिनके हाथ में पिस्टल थी और सीधी आकर के उस लड़के को गोली मार दी। तीनों ये बैठे हुए उसी टाइम आते पोलो गाड़ी आती है रात की उसको गोली मार दी। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं? इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि बदमाश दिन दहाड़े एक 25 वर्षीय युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर देते हैं और पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के नाम पर लकीर पीटने का काम करती रहती है। बदमाशों ने उस समय अंजाम दिया जिस समय करीब 25 वर्षीय राहुल अपने दो अन्य परिजनों के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकला हुआ था और एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर दातून कर रहा था। उसी समय एक कार में सवार होकर आए चार हमलावरों ने राहुल पर एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ गोली बरसा दी और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मेरा नाम राधे श्याम है। भाई सुबह 6 बजे के लगभग हमारे घर के सामने एक पोलो गाड़ी आई और वहाँ पे राहुल जो हमारा चचेरा भाई है तो उसके साथ में उन्होंने फायरिंग कर दी। तीन बंदे थे, तीनों के हाथ में पिस्टल थी और वो वहाँ से जैसे हमने हल्ला गुल्ला मचाया वो मौके से फरार हो गए। गाड़ी हमने गाड़ी रोकने की कोशिश करी तो गाड़ी रुकी नहीं। अच्छा, परिवार में उन्होंने गाड़ी कर दी, हम तो गाड़ी रुकी नहीं। मैं पुलिस को 112 पे कॉल की, गांव के लड़के ने जानकारी दी, पुलिस कॉल की थी 112 नंबर पे। गांव शरीफ चौराहा पर बहुत शरीफ लड़का था, वैसे कोई लड़ाई चल रहा है यहां पर। दिन दहाड़े घटित हुई इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में बदमाशों के प्रति खौफ व्याप्त है। सरेआम बिना किसी डर व खौफ के वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने बाजार बंद करके विरोध जाहिर करते हुए कहा कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सरेआम गांव के भीतर युवक को गोलियों से भूनकर हत्यारे फरार हो गए और पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। मेरा नाम राजेश भाटी है। आज सुबह हमारे गांव में बहुत ही शरीफ लड़का अपने घर पर बैठा हुआ था अपने भाइयों के साथ, यानी चाचा ताऊ के लड़के साथ बैठे थे। दो गाड़ियां आई और उस गाड़ी में से तीन लड़के उतरे जिनके हाथ में पिस्टल थी और सीधी आकर के उस लड़के को गोली मार दी। जैसे नीचे की तरफ गिरा तो एक बच्चे ने उसको बचाने का प्रयास किया, उस पर पिस्टल तान दी और फिर तीन गोली उसके सर में मारी और एट द स्पॉट वो एक्सपायर हो गया। तो पूरे गाँव में भारी रोष है। हमारे गाँव में पहली घटना ऐसी, किसी की इतनी ताकत के बीच गांव में आकर के सरेआम किसी को मार दे। तो अब मार्केट हमने इसलिए बंद की है कि भाई अगर ऐसा हो तो किसी को व्यक्ति मार सकता है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं। कल परसों DSP को मार दिया, पुलिस पकड़ने जाती पुलिस को गोली से मार देते हैं, दिन दहाड़े मार, थाना कितनी दूर है यहाँ से। इसलिए पूरी मार्केट बंद है और भारी संख्या में गाँव के लोग बीके हॉस्पिटल। पुलिस भाग दौड़ अपनी कर रही है लेकिन पुलिस के भय नहीं है। अगर पुलिस की भय होता ऐसे इंस्टेंट घर पर जाकर के जो लोगों को मार रहे हैं। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम व CIA की टीम को भी बुलवाया ताकि मौके से सबूत जुटाए जा सके। छायासा थाना प्रभारी की माने तो एक सफेद रंग की गाड़ी में चार अज्ञात हथियारबंद बदमाश सवार होकर आए थे जिन्होंने राहुल नाम के युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जिसमें उसकी मौत हो गई है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बीके अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है जिसका पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहुल सनोब राजकुमार करीब 26 साल उसकी उम्र है। वो और उसके साथ दो उसके पड़ोसी भतीजे दोनों बैठे हुए थे, तीनों ही बैठे हुए थे। उसी टाइम अचानक एक पोलो गाड़ी आती है और आती उसको गोली मारती है। बाकी दोनों दूसरे हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता। इसको करीब 4-5 गोली मारी है। हमने मौके पर अपने रेफरल टीम आ गई, सारे अफसर आ गए, CIA आ गए, तफ्तीश आ। जब एक ही आदमी को मार रहे थे इसका मतलब स्पेशल कोई ना कोई रंजिश है। इसके माँ बाप बाहर गए हुए हैं वैष्णो देवी जी, आने के बाद सारा पता लग जाएगा कौन थे। बाकी अपनी पुलिस कार्रवाई कर रही है, CCTV खंगाले जा रहे हैं। गाड़ी पोलो है, सफेद रंग है लेकिन नंबर नहीं आया। उसमें चार थे, एक ड्राइवर था, तीन और आने। गोली तो कह रहे हैं तीनों ने चलाई है लेकिन चार खोड़ मिले हमने। देखते हैं अभी टोटल पोस्टमार्टम से पता लगेगा। प्रथला विधानसभा के छायसा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े घटित हुई इस वारदात से एक बात तो जरूर स्पष्ट होती है कि बदमाशों में ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। अब ऐसे में देखना इस बात का होगा कि जल्द गिरफ्तारी का राग अलापने वाली छायसा पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।